नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री गणपति होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है पेन से रिलेटेड, हेड पेन, माइग्रेन, हेडेक, डाइजेशन के कारण पेन होना और हेडेक होना, माइग्रेन, काफ़ी सीरियसली पेन होना, इन सब में बहुत ही अच्छी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको उस दवा के बारे में बताता हूँ, उससे कुछ फ़ायदे बताता हूँ आपको, कैसे फ़ायदा करती है। ठीक है, जिस दवा के बारे में बात करने वाला हूँ वो है RW, रेक्टर कंपनी की आती है R16 नंबर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं R16 नंबर है ये माइग्रेन, हेडेक, डाइजेशन की वजह से अगर आपको पेन हो रहा है हेड में, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और आपको कोई स्ट्रेस है, कोई एनजाइटी है, इसकी वजह से डिप्रेशन की वजह से पेन हो रहा है सर में, तो इसमें ही बहुत अच्छा वर्क करती है, R16 नंबर है ये। ठीक है, आपको हर किसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ईजिली प्रोवाइड हो जाती है, बहुत ही नॉर्मल सी दवा है ये, जो कि हर एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी, कोई रेयर मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये आमतौर पर बहुत चलने वाली मेडिसिन है। इसकी आपको प्राइस बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 250 रुपये है। ठीक है, 250 रुपये की आपको ये मिल जाएगी, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ईजिली प्रोवाइड हो जाती है। आपको इसको लेना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल तरीके से 3 बार ली जाती है, बट आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है आप 6 बार ले सकते हैं, 5 बार ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ऐसे ही आपको लेना ही है। इसको आपको 10 से 15 ड्रॉप लेना है थोड़े से पानी, मतलब कि आप 1 चम्मच बड़ा टीस्पून है तो इसमें 1 चम्मच में बड़े टीस्पून में 15 से 20 बूंद डाल के आप पानी ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। दिन में नॉर्मल 3 बार लिया जाता है, जैसे आपकी सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी पेन हो रहा है, काफ़ी हेडेक काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, तो आप 5 से 6 बार ले सकते हैं, 2-2 घंटे पे या 3-3 घंटे पे। और मैं इसमें जो इंग्रीडियंट्स हैं मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी कंपोजिशन उसके मिली हुई है। सीमित क्यूबा है इसमें, ठीक है, 1 ग्राम की, ठीक है, और जेल सीनियम B3 है इसमें, आयरिस वेस्कुलरी, आयरिस वार्सिकोलर है, और सैंगोनिडिया है, स्पाइजिलिया है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें दवाइयाँ बहुत अच्छी मिली हुई हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि स्पाइजिलिया जो है वो भी आमतौर पे जो सर में हेडेक होती है, पेन होती है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, सैंगोनिडिया भी अच्छा काम करती है, जेलसीमियम और सीमित क्यूबा, आयरिस वर्कलोरी, आयरिस वर्सिकोलर, ठीक है, वो बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छा काम करती है इसमें। बट मेरे हिसाब से एक दवा मिस करती गई है, बेलाडोना। बेलाडोना भी बहुत अच्छा काम करती है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो हेड में, इसमें भी बहुत अच्छा नॉर्मल तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं बेलाडोना को। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अचानक से सडनली आपके पेन हो रहा है तो इसमें बेलाडोना आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर माइग्रेन प्रॉब्लम तो आप इसको R16 नंबर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत कारगर मेडिसिन है। ठीक है, ऐसे कई लोगों को होता है कि प्रॉब्लम होती है कई तरीके की, मैंने आपको बता दिया है, हेडेक की प्रॉब्लम डिप्रेशन की वजह से भी होता है, और आपका डाइजेशन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की, राइट, लेफ्ट, फ्रंटल, ठीक है, इन सब में प्रॉब्लम होती है, इन सब में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। बस डिपेंड करता है कि आप इसको लेना कैसे है, मैं बता चुका हूँ, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है 2 से 3 बार ले सकते हैं, अगर काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो 5 से 6 बार लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। माइग्रेन कई प्रकार का होता है, ठीक है, राइट में किसी के पेन होता है, किसी के लेफ्ट में होता है, किसी के फ्रंट में होता है, किसी के सेंटर में होता है, ठीक है, तो लेकिन ये सब में काम करेगी आपको, आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको यूज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको आप नियर अबाउट 2 से 3 मंथ लीजिए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसके बाद आप इसको छोड़ के देखिए, आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।